जिले की गोहा तहसील की जहां खनेता ग्राम जिसे आज चंबल सहित पूरे देश प्रदेश में श्री श्री रघुनंदन मंदिर विराजमान राम खनेता के नाम से जानते हैं धर्म प्रेमी बंधु। भिंड जिले की गोहा तहसील की जहां खनेता ग्राम जिसे आज चंबल सहित पूरे प्रदेश में श्री श्री रघुनंदन मंदिर विजय राम धाम खनेता से जानते हैं धर्म प्रेमी बंधु, जहां 30 जनवरी से 6 फरवरी तक होने जा रही सनातन धर्म का महाकुंभ 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के पूर्व ही मिले शुभ संकेत आश्रम में गाय माता ने 4 दिन पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में बछड़ा एवं बछड़ी को जन्म दिया है, जिसे महाराज जी ने शुभ संकेत मानते हुए सभी धर्म प्रेमी एवं क्षेत्रवासियों के लिए शुभ बताया। वही महाराज जी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति साकेत बांसी संत शिरोमणि श्री विजय रामदास जी महाराज जी की 25वीं पुण्यतिथि पर सनातन धर्म का संगम पहली बार 108 कुंडीय श्री राम शतचंडी राम चर्चा महायज्ञ का भव्य आयोजन पूरे भारतवर्ष में चारों शंकराचार्य पीठाधीश्वर जगतगुरु महामंडलेश्वर एवं बागेश्वर धाम महान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित महान देव मूर्तियां एक ही मंच पर एकत्रित होने का समाचार दिया गया एवं समस्त धर्म प्रेमी बंधु एवं क्षेत्रवासियों से पहली बार भिंड जिले में सनातन धर्म का आगाज किया गया। चौथा दिन आया, दो बच्चे हुए। हाँ, दो बच्चे हुए, एक बच्चिया है, एक बछड़ा है, एक धर्म है, एक लक्ष्मी है, एक रिद्धि है, एक सिद्धि है। गौशाला में कितनी गाय है लगभग अभी? गाय तो भाई यही 10-12 गाय है। अच्छा, प्राइवेट है, हम लोग अपने स्थान की व्यवस्था के लिए रखते हैं बस। अभी ट्रस्ट से नहीं, शासकीय, हम लोग गौशाला के लिए पैसा लेते नहीं। इलैया राजा टी ने 30 लाख रुपए हमको देने के लिए कहा था, उन्होंने मना कर दिया। हम लोग शासकीय पैसा ज्यादा उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, मात्र स्थान की व्यवस्था स्थान की तरफ से रहती है। हमारा जो विद्यालय चलता है वो भी हम लोग आश्रम से ही चलाते हैं, कोई हमारे लोग वैसे नहीं करते। महाराज जी, अभी यहाँ खनेते में प्रोग्राम चालू होने वाला है, क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग महाराज श्री की 25वीं पुण्य स्मृति में रजत जयंती मना रहे हैं और इसमें राम महायज्ञ है। राम महायज्ञ जो होती है वो देश कल्याण के लिए होती है। हम लोग महात्मा हैं, देश की चिंता हम लोगों को रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग धन धान से समृद्धि रहे। जहाँ पर यज्ञ होती है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई महामारी इत्यादि नहीं रहती है। एक ऊर्जा मिलती है, प्रकृति भी इससे शुद्ध होती है, वातावरण यहाँ से शुद्ध होता है। और हमारे श्री रघुनाथ जी का जो श्री विग्रह है, ये सिद्ध विग्रह है। हमारे श्री गुरुदेव भगवान को कई बार महाराज रघुनाथ जी महाराज का दिव्य दर्शन हुआ। इस हेतु से खनेता धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर भारत के सभी शंकराचार्य, सभी रामानंदाचार्य आते रहे अलग अलग समय में, परंतु अब की बार में हम लोग जो रजत जयंती महाराज श्री की मना रहे हैं उसमें चारों शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य सभी एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। तो इस हेतु से यहाँ पर हम लोग राम यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, भागवत के मूल पाठ और रासलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर जो महाराज श्री का हम लोग जो आयोजन कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। और भगवान सब कुछ देता है। अभी हमारे यहाँ परसों के दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक गाय ने एक बछिया एक बछड़े को जन्म दिया। तो हम लोगों का तो मानना ये है कि रिद्धि सिद्धि यहाँ पर आ चुकी हैं और धर्म और लक्ष्मी साक्षात भगवान की कृपा से आई है। ये शुभ संकेत है क्योंकि देशी गाय है, शुद्ध गाय है और उसमें दोनों बछड़ा और बछिया दोनों स्वस्थ हैं, कहीं किसी प्रकार का कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब मंगल सूचक है। तो यहाँ पर भगवान का भी जो अवतार होता है तो विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत। तो इस प्रकार से हम लोग समन्वयवादी हैं। अच्छा, हमारा यहाँ पे कथा कौन कहेगा? कौन कथा कहेंगे? स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के कृपा पात्र श्री श्रवणानंद जी महाराज। जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत के परम विद्वान थे, इन्होंने भागवत पर टीका इत्यादि किए, उन्हीं के कृपा पात्र श्री श्रवणानंद जी महाराज हैं। वो आनंद धाम वृंदावन से आकर के यहाँ पर कथा वाचन करेंगे। कितने दिन आयोजन ये हो रहा है? कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है? 30 तारीख से और 6 फरवरी तक है। 30 जनवरी से 6 फरवरी तक है।
29 जनवरी को हम लोग गौधमेघ बृहद यात्रा शुरू करेंगे और श्री चक्रधारी भगवान से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारा जो गोहद है ये गऊओं का हद है, यहाँ तक भगवान कृष्ण ने गाय चराई है और हम लोग गोहद को लव वृंदावन मानते हैं, क्योंकि गोहद में बहुत मंदिर हैं, आज भी बहुत पुरातत्व के मंदिर हैं और ये जो रघुनाथ जी का मंदिर है तो ये रघुनाथ जी का जो श्री विग्रह यहाँ का विग्रह और जम्बू का विग्रह एक सा विग्रह है, तो इस प्रकार से हम लोग। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे कितनी भीड़ होने की संभावना है? लगभग यहाँ भीड़ होगी 2 लाख के लगभग, 1-2 लाख का हम लोग भोजन की व्यवस्था करके चल रहे हैं। अच्छा, प्रतिदिन 1 लाख आदमी, 1 से 2 लाख तक हम लोग। यज्ञ क्या कुंडी हो रहा है? 1 से 8 कुंडी यज्ञ है।